हेलो, सत श्री अकाल सारिया नू, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं अपने न्यू घर पर शिफ्ट हो गई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स गेस्ट रूम, ये गेस्ट रूम है। और ये अलमीरा रेडी हो गई, ये लगवा दिया है वाईफाई, ये है कंसील लाइट फॉर सीलिंग। ओह माय गॉड, ये है हॉल की अलमीरा, रेडी हो चुकी है ये सब कंप्लीट। और ये है हॉल की फॉर सीलिंग झूमर, वाओ फॉर सीलिंग। ये नीचे वाली कबर्ड है किचन की, ये किचन एरिया पूरा दिखाती हूँ आपको, ये किचन एरिया है। ये अभी कुछ सही से शिफ्ट हुआ है, कुछ नहीं, स्टडी टेबल बच्चों की, अभी कुछ सामान रखना बाकी है। ये है मेरा बेडरूम, ये मेरा बेडरूम है। और ये है मेरी मैट जिसके सहारे में चल रही हूँ, मैट ये मेरी तबीयत खराब रहती है, बैक पेन, थायराइड, सर्वाइकल, उसके लिए ये इस पे चला के लेटती हूँ तब खड़ी हो पाती हूँ। और ये है पीछे का एरिया, ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल, ये अलमीरा अंदर की। बस शिफ्ट हो गई हूँ, पर अभी ऊपर थोड़ा और काम बचा है लकड़ी का, वो चल रहा है। और बाकी जो शीशे का काम है वो भी चल रहा है, कल से शीशा भी लगना शुरू हो जाएगा। और बाकी का अगर आप सब लोग चाहेंगे तो मैं आपको पूरा घर कंप्लीट होने के बाद एक और वीडियो बनाऊंगी। खुशी इस बात की है आखिर अपने न्यू घर में शिफ्ट हो ही गए, कुछ थोड़ा बहुत बाकी काम बचा है ऊपर, तो वो भी हो जाएगा, ज़्यादा समय का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की किचन तैयार होनी है तो लगभग लग जाएंगे 10-12 दिन। तो आपने देख लिया है मेरा न्यू घर, एक फ्लोर तो देख ही चुके हैं। अब चलती हूँ, मैं बनाती हूँ चने का साग और मक्के की रोटी, दिखाती हूँ आपको। एक तरीके की रोटी मैंने ये हाथ से बनाई है और दूसरे तरीके की रोटी बता रही हूँ मैं, कोई भी बना सकता है बहुत आसानी से। थोड़ा घी लगाया, पिन्नी पे भी लगा लिया और थोड़ा घी इस पे लगा दिया लोहे पे, और फिर इसको ऐसे करा आराम से, फिर इसको बेल लिया, इस तरीके से बेल लिया। बहुत से बंदे बनाते हैं तो टूट जाती है रोटी, इसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
ये बन गई रोटी। वो बताइए, कमेंट में लिखकर बताना कैसी बनी है। तो आज बच्चों का मूड है घूमने के लिए, यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं कहाँ पर लेके जा रहे हैं ये आज मुझको। बहुत सर्दी हो रही है तो मम्मी ने कहा बाहर चलते खाना खाने के लिए, तो खाना खाने बाहर जा रहे हैं। मुझे पहचान नहीं पाओगे घर में, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है इसलिए बाहर जा रहे हैं। घर में सर्दी है तो इसलिए बाहर जा रहे हैं। अब देखते हैं, वैसे भी कुछ डिफरेंट खाने का मन था। मम्मी रोज साग बना देती है, रोज साग। मम्मी ने तो साग बना के साग खिला के हमारी टुंडी भी हरी होती। मक्के की रोटी आसानी से नहीं बनती है, समझे? तो इसलिए मैंने सोचा कुछ डिलीशियस खाते हैं आज। अब ये देखो, अब मैं इन्हें नहीं मक्के की रोटी खिलाऊंगी और नहीं चने का साग खिलाऊंगी। एक बार चलता है, आज के बाद दाल रोटी आलू तीन टाइम साग कौन खाता है। चलो तो आज देखते हैं इन बच्चों की रसोई में क्या मिलता है। साग बढ़िया था, लेकिन एक टाइम खा सकते हैं, दो टाइम खा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा तीन नहीं खा सकते। हम पहुँच चुके। ड्राइव कौन कर रहा है, शक्ल तो दिखा दो उसके। बेचारे राजनगर बिना पेमेंट का ड्राइवर की आश। ड्राइवर ये है, दो ड्राइवर है हमारे पास ऐसे, है ना? इतना मेरा दो ड्राइवर रखते हैं। हाँ भाई, ड्राइवर की जो ड्राइवर का कंफर्ट है, ये ड्राइवर है उसका ध्यान रखते हैं। ज्यादा मत बोलो, वापस ले जाओ ड्राइवर को। ड्राइवर थकते हैं थोड़ी देर मेहनत करने के बाद, इसलिए हमने दो दो ड्राइवर रख रखे हैं बिना पेमेंट के। चलो बस खाना खिला देते हैं एक टाइम का। आगे करो। ये बीकानेर में नहीं, जहाँ पे शूट किया था याद नहीं? याद है। हाँ जी, तो पहुंच गए हैं हम रेस्टोरेंट। एक फ्राई खाने का इंतजाम। अभी क्या है? अजी तो आप जा रहे हैं वापिस अपने घर। रेस्टोरेंट से हम खाना वाना बिल्कुल डन हो गया है। आप बिल्कुल नींद आ रही है, बहुत अच्छी वाली। पहले कुछ मीठा खाइए पागल। और दीप को तो ये बोल रहे हैं, दीप तो ये बोल रहे हैं खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ बचा है। अब कुछ थोड़ी बहुत भी जगह बची है मीठा खाने के लिए। बहुत पेट भर गया, पेट ऐसा भर गया है कि बस तो आ गई हूँ मैं वापिस खाना वाना खाने के बाद वहाँ से। और बच्चों ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी था। जनरली मैं मनाती नहीं हूँ, फिर भी बच्चों ने जो है अपनी खुशी पूरी की, इंजॉय किया हमने वहाँ पर पहुँच कर। और इन्होंने आपस में बच्चों ने सलाह मनाई कि आज मम्मी को काम से रेस्ट दिलाओ और चलते हैं बाहर खाने के लिए। और इन्होंने मुझे बाद में बताया, खाना वाना खाने के बाद जब इन्होंने मुझे विश किया बर्थडे, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो बच्चों ने मेरे बारे में इतना सोचा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और अब हम खाने जा रहे हैं अपनी रसमलाई। अब रसमलाई खाने जा रहे हैं।